much me to all of you. आज का हमारा नया वीडियो है हैशटैग आसाक्षी पार्ट टू. सो फाइनली जितने भी क्वेश्चंस हैं जो भी आप लोगों ने मुझसे पूछे मैं आज वो सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे. हाँ मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चंस नहीं लिए क्योंकि अगर मैं पूरे क्वेश्चंस लूंगी तो आप लोग बोर हो जाओ. मतलब नॉट एज सच बोर, दैट इज नॉट द थिंग. ओके ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं सारे क्वेश्चंस ले सकूं. तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस तो भी मैंने चूज किए, आप लोग इसमें देख सकते हो. अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो, और अगर आप लोग को भी डाउट है तो इसके इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख देना. बस हैशटैग आसाक्षी जरूर यूज करना. सो लेट्स गेट इनटू द वेलकम बैक टू माय चैनल पेजेस. मैं नाम साक्षी और आज हैशटैग आसाक्षी पार्ट टू में शूट कर रही हूँ जिसमें आपने मुझसे जो इतने सारे क्वेश्चंस पूछे मैं आज उसके आंसर्स देने वाली हूँ. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं. ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वीरेंद्र पटेल. हाय वीरेंद्र, हाउ आर यू? सो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीए ऑन अ सोशियोलॉजी एंड ऑल दैट टॉपिक इज एंड आर इन माय सिलेबस एंड आई एम हैविंग एग्जाम फ्रॉम 7 अप्रैल. लाइक योर वीडियो सो आई हैव मेड हाफ ऑफ माय नोट्स फ्रॉम योर सिलेबस. ठीक है, तो आप क्या बाकी के भी वीडियोस बना दोगे? इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. ओके सो या बाकी के जितने भी वीडियोस हैं आपको मिलते रहेंगे. आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं. अनअकैडमी पे मैंने ऑलमोस्ट 18 कोर्सेज बनाए हैं. तो उसमें से अगर आपके जो टॉपिक्स, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 7 अप्रैल से है, इसलिए मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप वेट करो यूट्यूब के वीडियोज के लिए. बाकी कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यूट्यूब पे मैसेज करके. और बाकी के बहुत सारे मैंने सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक बनाए हैं, चाहे वो बीए हो, चाहे वो एमए हो, चाहे वो नेट हो, चाहे वो यूपीएससी हो. तो मैं आपको अभी फिलहाल के लिए रिकमेंड करूंगी कि आप जाइए अनअकैडमी पर और वहां पर मेरे वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं. ढेर सारे लेसन है उसमें. और अगर कुछ ऐसा लगता है कि आपको नहीं मिल रहा है देन डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. ओके अब दूसरा हम सॉल्व करने वाले हैं अनदर क्वेश्चन. दैट इज फ्रॉम शी इज नेहा तिवारी. या नेहा तिवारी. ओके सो इनने कहा है कि मैम मुझे प्रॉब्लम होती है, शायद सभी को हो, अक्सर पढ़ के मैं भूल जाती हूँ. ऐसा नहीं है कि चीजें समझ नहीं आती, मुझे समझ में आता है, कॉन्फिडेंस भी रहता है, लेकिन मैम एमसीक्यू में कुछ भी पूछ लिया जाता है. सो अगर आप कुछ ऐसा चीज बताए जिससे मैं चीजें याद रख सकूं. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट रिविजन. अगर मैं आप लोग को चीजें बताऊं, देखो वीडियोज इज समथिंग जो कि आप पढ़ोगे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी. वीडियो इज ऑल अबाउट दैट. लेकिन बुक्स का खुद का एक इम्पोर्टेंस है. तो या तो आप सबसे पहले बुक से पढ़ो उसके बाद वीडियोज देखो, या तो पहले वीडियोज देखो उसके बाद बुक्स पढ़ो, ताकि चीजों से आप फैमिलियर होते जाओ. आप फैमिलियर हो गए, चीजें बार बार दिमाग में घुसेंगी तो मैक्सिमम एक दिन में कम से कम दो बार, जैसे आप गाने को मेमोराइज करते हो ना, कोई भी गाना आपने नया सुना हो उसके लिरिक्स को आप कितने बार मेमोराइज करते हो, नहीं तो उसके बाद तो दिमाग से चीजें चली जाएगी ना. वैसे ही इसको अगर आप एक दिन में दो बार, दूसरे दिन फिर से तीन बार कर लिए, चौथे दिन फिर से दो बार कर लिए, तो ऑटोमेटिकली जब आप चौथी बार ना आप उसको पढ़ोगे भी नहीं तो भी आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद रहेगी क्योंकि दिमाग वैसा ही प्रोसेस करता है. दूसरी बार मैं बात बताऊं तो आप इसको कंपार्टमेंटलाइजेशन में पढ़ो क्योंकि हमारा जो दिमाग है ओके ये कंपार्टमेंटलाइजेशन को समझता है, चीजें कंपार्टमेंट्स में समझता है. अगर आप ये कोशिश करोगे कि मैं एक दिन में कम से कम 5 से 6 लेसन पढ़ दूं तो दैट इज नॉट पॉसिबल. आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हो, आप मेमोराइज नहीं कर सकते. तो मैं आपको बोलूंगी कि आप प्लीज चीजों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, और थोड़ा थोड़ा कर रहे हो उसके बाद उसको रिवाइज करते जाओ. जितना ज्यादा रिवाइज करोगे चीजें उतनी ज्यादा सही रहेगी. और अगर आपको बोर लगता है रिवाइज करने के लिए तो इसको प्लीज अपने फोन के जो ऑडियो फाइल्स होती है ठीक है ऑडियो, उसमें आप इसको बोल लो, अपने खुद से बोल लो, और उसके बाद आप इसको ईयर प्लग्स लगा के सुनते रहो, चीजें गानों की तरह याद होते रहेगी. ऑलराइट और अगर ये चीज आपको पसंद आए तो डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स की हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा है. ओके और बाकी लोग भी इससे फिर फॉलो कर सकते हैं. आगे हम दूसरे इंसान का क्वेश्चन देखते हैं. ही इज सूरज कुमार. हाय सूरज कुमार, हाउ आर यू? सो इनका क्वेश्चन है कि विच पब्लिकेशन सैंपल पेपर शुड आई फॉलो फॉर प्रैक्टिस. ओके सो आई विल रिकमेंड अरिहंत इज बेस्ट. और अगर आपके पास अभी ऐसा टाइम नहीं है, या फिर आप जिस प्लेस पे रहते हैं, या फिर देखो बड़े प्लेस पे रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, लेकिन अगर आप छोटे प्लेस पे रहते हो और आपको नहीं मिल रहे सैंपल पेपर्स तो आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं. तो आप ऑनलाइन सॉल्व करिए, और अगर आपको तो भी फाइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है
तो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है पहले उनको सॉल्व कर लो, पेपर वन के लिए तो वेरी इजी मिल जाएगा क्योंकि इसका कोई सिलेबाई ऐसा चेंज नहीं हुआ है, चेंज हुआ भी है तो थोड़े बहुत है, और बाकी इसको करने के बाद आप सैंपल पेपर अरिहंत का यूज कर सकते हैं, दैट इज गुड। नाउ द क्वेश्चन इज बाय मोशीन खान। हाय मोशीन, हाउ आर यू? सो ही इज मैम, नेट एग्जाम में दे मोस्टली आस्क अबाउट फेमस वर्क्स एंड कॉन्सेप्ट्स और बुक्स बाय द थिंकर। आई वुड बी मोर सॉरी इट वुड बी मोर प्रोडक्टिव इफ यू फोकस ऑन दैट रेदर देन लाइफ हिस्ट्री ऑफ थिंकर। रिगार्ड्स एंड थैंक्स। या ओके, थैंक यू। ये एक अच्छा क्रिटिक भी है, आप बोल सकते हो। तो आपने मुझे सजेस्ट किया है कि आप लाइफ हिस्ट्री के बजाय डायरेक्टली पॉइंट पे आइए, तो एक्चुअली मैं लाइफ हिस्ट्री इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं और उसमें कई बार ये तक पूछ लिया गया है कि वो जो पर्टिकुलर थिंकर है वो कौन से सिटी से थे। ओके, तो इसलिए मैं ये चीजें बताती हूँ क्योंकि दिस इज नॉट ओनली फॉर नेट एंड यूपीएससी, दिस इज ऑल्सो फॉर दी जो पीपल बीए कर रहे हैं, जो एमए कर रहे हैं, ये सोशियोलॉजी सबके लिए है, इसलिए मैं लाइफ हिस्ट्री बताती हूँ। और ये थोड़ा सा जो कंसेप्ट है उसको इंटरेस्टिंग भी बनाता है, ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हो थिंकर के साथ आपको अगर उनकी बायोग्राफी पता रहेगी तो, इसीलिए। ओके, बाकी थैंक्स कि आप मुझे इस टाइप की चीजें बोल रहे हो। नाउ बाय तस्वीर रसूल। हाय तस्वीर, हाउ आर यू? सो द क्वेश्चन इज मैम, जूम कीजिएगा, वीडियो को दिख नहीं रहा है ठीक से। ओके, हाँ मैम बिल्कुल जूम करके कोशिश करूं, मैं जूम करती हूँ लेकिन ना वीडियो की फटने वाली क्वालिटी आने लग जाती है क्योंकि राइट नाउ आई एम नॉट शूटिंग विद द कैमरा। ओके, मेरा बजट अभी बहुत कम है, मैं मोबाइल से ही करती हूँ, राइट? इसीलिए बाकी मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ तो मैं उसको थोड़ा सा ज्यादा जूम करके पढ़ाऊं। ओके, तो ये हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय बनश्री घोषाल। हाय बनश्री घोषाल, हाउ आर यू? जेआरएफ का फेलोशिप अमाउंट कितना है और कब से मिलता है? ओके, सो जेआरएफ अगर आप निकाल लेते हो तो आपको 25,000 to 30,000 हर मंथ आपके अकाउंट में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके सो दिस इज ऑल अबाउट इट, ये सारे क्वेश्चंस थे। ओके, वन क्वेश्चन इज लेफ्ट, एक और क्वेश्चन था कि आर यू आउट, इसका नाम क्या है, सोहेल नाबी। ओके, हाय सोहेल नाबी, हाउ यू? सो आर यू आउट ऑफ योर सेंस? डू सिंपली फॉलो इग्नोर एमए मटेरियल एंड यू आर डन, प्लीज स्टॉप स्केयरिंग एस्पायरेंट्स। ओके, सो बेसिकली आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को पहले अच्छे से जाके देखिए। मैंने सिर्फ ये नहीं बोला है कि आप सिर्फ जाके इग्नो को पढ़ो और आपका नेट निकल जाएगा, मैंने बेसिक्स बताया है कि इग्नो पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद कुछ मैंने लिस्ट दी है लोगों को, आप उसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है कि मैं सिर्फ इग्नो के लिए बोल रही हूँ तो प्लीज जाके वीडियो को पहले देखिए। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को पसंद आए और कोई भी डाउट्स हो देन डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं ऐसे ही वीडियोस लाते रहती हूँ। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो देन डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, इसी में लिख दो बस, यूज करना मत भूलना हैशटैग आस्क साक्षी, ताकि आपके भी जितने भी डाउट्स है वो मैं अगली बार की इसी टाइप की वीडियोस में ले सकूं। सो सी यू बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।